जी हाँ यकीनन ऐसे ही है कि उनकी तारीफ पर बड़ी गहरी नजर थी और उसका मुजाहरा आपदा तकरीर में सुनते ही रहते थे कि जब किसी के अहवाल का तस्करा करना हो तो क्या उसका सजरा और क्या उसकी अजदाद और क्या उसकी औलाद सब एक तकरीर के अंदर वो समझ दिया करते थे और हम हैरान हुआ करते थे कि इस कदर नाम कैसे याद रखते हैं। ये एक पहलू है, लेकिन इस पहलू से आगे जरा सोचने की जरूरत है। असल काम जो उनका तवज्जो तलब है और हम सबको मुतवज्जो कर रहा है कि हम भी उसकी तरफ तवज्जो दें, वो ये कि तारीख का बयान। देखिए तारीख उन बातों की का तस्करा है जो गुजर चुकी है, गुजरी हुई चीजों को बयान करना एक किस्से कहानी से ज्यादा अमला अहमियत ना रखे अगर उसको हाल से मुंतबिक ना किया जा सके। अगर पुरानी बातों को आज की सूरत हाल पर मुंतबिक ना किया जा सके तो जो कुछ कहा गया है वो पुराना किस्सा है, वो आज की बात नहीं है। जो असल कमाल उन्होंने किया वो ये कि वो तस्किरा करबला का हो, तस्किरा मोहम्मद वाले मोहम्मद का हो, तस्किरा पाकिस्तान का हो, तस्किरा शियत का हो, जो कुछ पहले हो चुका उन्होंने बताया कि ये बात आज भी उसी तरह रेलिवेंट है जिस तरह आपके असल वक्त में हुआ करती है। और तारीख पढ़ने वाले हर फर्द को, सुनने वाले पढ़ने वाले हर फर्द को इस बात पर मुतवज्जो रहना चाहिए कि तारीख की बातें तभी मौसर भी हैं, मुफीद भी हैं जब उसका ताल्लुक आज से जोड़ा जा सके। और ये तारीख से ताल्लुक जोड़ना ये तकाजा करता है तारीख का तज्जिया करने, जहाँ ये सलाहियत हो कि फैसला किया जा सके कि तारीख में जो वाकयात हुए हैं उनके असबाब क्या थे और क्या वैसे ही असबाब दोबारा सामने आएंगे तो यही नतीजा निकलेगा या वो गलत नतीजा सामने आएगा। तो ये तज्जिया करना, ये सलाहियत पैदा होना यकीनन तारीख पर उनकी नजर होने में इस बात का इजाफा करना बहुत जरूरी है। और हमें सबको भी मुतवज्जो रहना चाहिए कि तारीख का कोई वाकया भी तारीख का वाकया रहेगा अगर हम उसको हाल से ना मुंतबिक कर सके, तो इस पर मुतवज्जो रहने की जरूरत है। उसके बाद जिस बात की तरफ मरहूम खुद भी तवज्जो दिलाते थे और आजकल के हालात भी बहुत मुनासिब मालूम होता है कि उसका यहाँ इजहार करूँ, वो उन्होंने दुनिया भर के सफर किए। अभी आपने एक फेरे सुनी जनाब मसूद अगर साहब से, इसमें उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ उन्होंने मजलिस से खिताब किया। ये सफर वो किया करते थे और बहुत शौक से किया करते थे और हमें हैरत होती थी कि अपनी उम्र के बावजूद कभी उन्होंने इस तरीका से पेश नहीं किया कि उन्हें जाना है और 14-14 और 15-15 घंटे की फ्लाइट है और कभी इस बारे में मुशवश नहीं हुई। ऐसा क्यों है ये उनकी अपनी हिम्मत और मुसब अपनी जगह पर, लेकिन जो बात यहाँ पर और गलत है वो ये कि उनके नज़दीक सफ़र वाकई वसीला ज़फ़र है क्योंकि वो इबरत हासिल करने का जरिया है। और ये इबरत के मानों में हम कभी कभार, बल्कि आप तो बहुत देखने में आता है, अपने मौजूदा हालात से इंतहाई परेशान हो जाते हैं। कौम के दरमियान ये इख्तलाफ है, ये ग्रोह उस ग्रोह के मुताबिक ये कह रहा है, फला का नज़रिया ये हो गया है। उन्होंने जो सफ़र किया उसके बाद वो नतीजा बयान किया करते थे वो ये था कि हम अपने दायरे को बहुत महदूद करके देखते हैं। इस सफ़र ने उनका दायरे को बहुत वसी कर दिया था और उसकी वजह से किसी भी मसले के असल वजह का उन्हें बहुत बहुत बखूबी अंदाज़ा हुआ करता था। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करते हैं कि ये बहुत संगीन मसला है, लेकिन जब उसको एक बड़े कैनवस पर देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि ये कोई मसला नहीं है। मसलन जब वो बरतानिया या अमरीका जाया करते थे, वहाँ की नौजवान नसल अब उनको यकीन ना सिर्फ कबूल करती थी बल्कि अब उनके दरमियान भी वही ताल्लुक जो इस नसल जो इस शहर के रहने वालों का उनके साथ था, इतने अरसे में वो पैदा हो चुका था, उनके साथ बातचीत करने के बाद वो बड़े बरमला अंदाज में कहा करते थे कि अब शियत का मुस्तकबिल उस नसल के हाथ में, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह उनकी सोच है, ये जो मसले जिसमें हम परेशान हो रहे हैं ये मसले सिर्फ मुकामी मसले हैं और इस पर इतना मुशवश होने की जरूरत नहीं है। इसकी दायरा बहुत महदूद है, मसले बड़े बड़े दुनिया में और बहुत से हैं, उसका मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। ये वो वसत नजर है कि जो उन्हें हासिल थी और वो यकीन हमसे भी ये चाहते थे कि हम इसी वसत नजर का मुकाबला करें। हुसन के अफराद अरबईन पर सादत करबला हासिल करते हैं, उन्हें वो जरूर मुतवज्जो करते थे कि वहाँ जो दुनिया भर से आए हुए लोग होते हैं, दुनिया भर से आए हुए मोमिनीन होते हैं, उनसे मिलिए, उनको देखिए, उनको जानिए, उनसे बात कीजिए तो अंदाज़ा होगा कि हम किन मसलों में पढ़ते हैं। ये कोई मसला नहीं है, ना ये कोई बहस करने की बातें हैं,
बातें इससे बहुत आगे की हैं और आगे भी होनी चाहिए। तो ये बात इस पर मुतवज्जो रहने की जरूरत है। आखिरी बयान में एक और पहलू जिसको उन्होंने बहुत वाज़े किया अपने बयान में, कई मरतबा दोहराया भी, और वो ये कि उन्होंने मुतवज्जो करते रहे खुसूसन बतौर फर्जंद हम लोगों को, खुसूस बाकी हजरात को भी मजलिसों के हवाले से बिल वास्ता या बिला वास्ता। तो ये इस बात की अहमियत थी कि चीज़ों का तज्जिया करते वक्त, चाहे शख्सियतें हों, चाहे वाकयात हों, चाहे चीज़ें हों, उनका तज्जिया करते वक्त ज़रूरी है कि उससे फासले पर रह के तज्जिया किया जाए। किसी भी मीनार के नीचे खड़े होकर उसकी हुसन का अंदाज़ा, उसकी बुलंदी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आप ज़रा दूर हट के देखिए, फिर अंदाज़ा होगा कि उसकी असल बुलंदी क्या है। और ये बात वो बहुत मुतवज्जो करते थे जब आकर किसी मशहूर कुन खतीब की खिताबत सुनने के बाद आकर तारीफ की जाए तो वो दाद जरूर देते थे, लेकिन उसके साथ ही मुतवज्जो करते थे कि वक्त गुजरने दो, कुछ अरसे बाद इस पर बैठ कर बात करेंगे। और ये आप हजरात का अपना तजर्बा भी होगा कि उनसे अगर किसी मजलिस के फौरन बाद कहा जाता था कि एक अगली मजलिस का वादा कर लीजिए, तो कहते थे अभी मैं नहीं वादा करूँगा, घर चला जाऊँगा, फिर रब्ता कीजिएगा। उसका सबब भी ये था कि वो कहते थे कि अभी आप इस तकरीर के शहर में हैं, अभी ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर सोचिएगा बैठ के कि आप इस अगली मजलिस में मुझे मौजूद करना चाहते हैं या नहीं। ये बात इंतहाई अहम है। हम सुनने वालों से फौरन मुतासर हो जाते हैं, बयान करने वालों का असर फौरन कबूल कर लेते हैं। इस बात की अपनी जगह बहुत अहमियत है। और मैं यहाँ तक कहने की जिसारत करूँगा कि मुंतज़िर अब्बास नकवी साहब का भी असर फल उसी वक्त हमारे सामने आएगा जब कुछ वक्त गुजर जाएगा, तब हमें अगर उनकी बातें तब भी रेलिवेंट नजर आए, तब भी पुरसर नजर आए, तो हाँ ये यकीनन बलद शख्सियत थी। और मुझे उम्मीद है ऐसा होगा जो उन्होंने जिस तरह से चीज़ों पर नजर डाली है वो एक दलील नज़र, एक पेशबीन फर्द की नज़र है, तो चीज़ों को बहुत आगे तक देखने की सलाहियत रखता है। बस अल्लाह मुहतरम आखिर में एक जुमला शिकायत समझ लीजिए या जुमला मुतरजा के अनुमान से समझ लीजिए। हमारे उफैल भाई ने रवा रवि में उसका तस्करा किया और ये तस्करा शायद गैर मुनासिब हो एक ऐसे रेफरेंस में कि जहाँ मोहब्बत करने वाले जमा हैं, लेकिन फिर भी मैं मुतवज्जो जरूर करना चाहूँगा। और वो ये एक हस्ती जो हमारे दरमियान मौजूद थी उसके वहाँ से हम सफ़र सुन रहे हैं, हमने उससे इस्तफादा भी किया, कहने वाले ने कहा और बिल्कुल वजह कहा कि उन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी, लेकिन क्या हम भरपूर फ़ायदा उठा सके? उन्होंने तो भरपूर ज़िंदगी गुजार ली, क्या हमने भरपूर फ़ायदा उठाया? शायद हमारे जवाब मस्बत के बजाय नफी में, ऐसा नहीं हो सका। और ऐसा ना हो सकने में और बहुत से पहलुओं के अलावा शायद हमने उनसे खुसूसर वो अफराद जिन्होंने उनके सामने लड़कपन से अब ज़ाहिरी बुजुर्गी तक के मराहल तय कर लिए हैं, शायद उनकी नज़र में जो इस्तफादा करना था वो कर चुके। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जाहिर है दिन रात उनके साथ गुजरा, अभी भी उनसे इस्तफादा करने के लिए बहुत कुछ था, उनके पास बहुत कुछ बताने के लिए था, सवाल पूछने वालों की कमी रह गई। और ये बात एक कदम और आगे बढ़कर और तकलीफें हो जाती है। मैंने मुसलसल 40-50 दिन से बहुत से तारीफ करने वालों के टेलीफोन मसूल किए, लोगों ने रब्ता किया, इसमें वो हजरात भी शामिल हैं कि जो बड़े बड़े इदारों के सरबराह हैं, उलमाए कराम हैं, यकीन काबिल एहतराम हैं, उनकी मोहब्बत में उन्होंने याद किया। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आज इस फोरम के हवाले से मैं उनसे ज़रूर इतना पूछूँ कि जब वो मौजूद थे तो क्या आपके यहाँ मुहर्रम की मजलिसें होती हैं कि नहीं होती, आपके यहाँ अय्याम फातिमिया मनाए जाते हैं या नहीं मनाए जाते? यकीनन मनाए जाते हैं। तो क्या मुंतज़िर अब्बास नकवी जो इतनी सब खूबियों के हामिल थे, जिनसे दुनिया फ़ायदा उठाती थी, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम अभी उनसे और फ़ायदा उठाते, देखते कि वो और क्या बता सकते हैं हमें? अगर तकरार नज़र आती, अगर आपको पुरानी सुनी हुई बातें नज़र आती तो फिर आपको हक ज़रूर था। लेकिन आज ताज़ियत करते हुए ये ज़रूर सोच लीजिए कि शायद अभी भी हमारे दरमियान ऐसे अफराद मौजूद हो जो हमें फैज़ पहुँचा सके, लेकिन हम अपनी तंग नज़री की वजह से, हम अपने एक खास वज़ाकता तक अपने अपनों में महदूद हो जाने की वजह से हम उनसे फ़ायदा उठाने पर तैयार नहीं हैं।
तुम अपना नुकसान कर रहे हैं, जाने वाले और आने वाले अपना काम करते रहेंगे, वो रूह से काम करते हैं, उनको इसकी परवाह नहीं होती कि सुनने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, वो अपना काम करते चले जाते हैं। हमारा नुकसान ये हो रहा है कि हम अपनी तंग नजरियों की वजह से उनसे पूरी तरह फायदा नहीं उठा पा रहे। परवरदिगार आलम तौफीक दे कि जो मौजूद हैं हम उनसे फायदा उठा सकें, जो चले गए हैं उनको याद करना, का तस्करा करना, अच्छा वक्त लगता है, लेकिन क्या अब ऐसा कोई फर्क मौजूद नहीं है जिससे आप फायदा उठा सकें? क्या खिताबत का मैदान खत्म हो चुका है? अब कोई